ए श्रीकांत हरे कृष्णा हरि बोल। हम लोग शिला गुरुदेव और महाराज जी के अनुगत्य में अभी श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते करते जिस स्थान पर आए, इसका नाम है श्री गोविंद कुंड। जब इंद्र ने कृष्ण के प्रति अपराध किया और कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा दी, जिससे क्रुद्ध होकर इंद्र ने संवर्तक मेघों को भेज करके ब्रज में बड़ी मूसलाधार वर्षा करवाई, किंतु कृष्ण ने 7 दिनों तक गिरिराज पर्वत को धारण करके समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। और कृष्ण का इस प्रकार से मनोभीष्ट पूर्ण हुआ। कृष्ण चाहते थे ब्रजवासियों के साथ में एकत्र उनका मिलन हो, विशेषकर ब्रज गोपियों के साथ में उनका एकत्र मिलन हो। तो इंद्र के द्वारा कृत इस अपराध के कारण कृष्ण और समस्त ब्रजवासी 1 सप्ताह के लिए एक साथ में गिरिराज गोवर्धन की छत्र छाया में समस्त ब्रजवासियों ने 1 सप्ताह तक वास किया। जब यह लीला संपादित हो गई तो इंद्र को कृष्ण की महिमा का अनुभव हुआ और उनको अपने द्वारा कृत अपराध की भी कुछ अनुभूति हुई। तो इंद्र ने सुरभि गैया से प्रार्थना की और सुरभि गैया जी के अनुगत्य में इंद्र ने इसी स्थान पर कृष्ण का अभिषेक किया। सुरभि गैया के दुग्ध इत्यादि से इंद्र ने इसी स्थान पर कृष्ण का अभिषेक किया और उसी अभिषेक के जड़ से ये गोविंद कुंड बन गया। जब कृष्ण इस जगत से अपनी लीलाओं को संपादित करके अपने नित्य धाम में चले गए, तो उनके पश्चात कृष्ण के जो प्रपौत्र हैं बज्रनाभ जी, उन्होंने कृष्ण की स्मृति के लिए बहुत सारे श्री विग्रहों की एक कथा सुनो। तो बज्रनाभ जी ने ब्रज में स्थान स्थान पर कृष्ण के विग्रहों की स्थापना की, किंतु काल क्रम से यवन लोगों के आक्रमण से और भगवत इच्छा से कुछ कुछ श्री विग्रह जो है किसी किसी स्थान पर इस प्रकार की लीला प्रकाशित करते हुए लुप्त हो गए। जब श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी इस स्थान पर भजन करते करते वृंदावन का ब्रज का दर्शन करते करते इस स्थान पर आए, अर्जुन को या गोविंद कुंड का ही नाम पड़ा। कारण होची जेते बेले कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को धारण करले, इंद्र चेष्टा करले संपूर्ण ब्रज को में संपूर्ण नष्ट कर देव है। यदि कृष्ण 7 दिन पर्यंत गिरिराज गोवर्धन करले धारण करले, ताकर समस्त बल प्रयोग करले, किंतु 7 दिन पर जने दूतों को पठाइले देखिकरी आस वृंदावन रे कौन होची। से दूतटा आसिकरी ना खाली ऊपर ऊपर देखिरी गले, कहले ब्रज रे गोटे पिंपुड़ी मध्य नहांती, गोटे पिंपुड़ी मध्य नहांती, सब मरिया के सब शेष होती। से आउ जन को पठाइले बोले तू देखिकरी आ, से तो खाली ऊपर ऊपर देखी जाइले, जितने से तल को आसी देखिले ना देखिले ब्रज रे तो गोटे पिंपुड़ी मध्य मरी नहांती, ब्रजर तो धूला उड़ी। ब्रजवासी मैंने खूब आनंद रे कृष्ण को दर्शन कर नृत्य कीर्तन कर समस्त सही छत्र छाया रे सब आनंद नौ जागिरी कहले। जितने सी फेरिकी गले बोले ब्रजर कौन अवस्था, बोले कौन है ब्रजरे, बोले ब्रजरे गोटे पिंपुड़ी मध्य मरी नहाती है। जहां को साधारण बालक मन करते से कनिष्ठ अंगुल गिरिराज गोवर्धन को सी धारण कर छिड़ा है। समस्त ब्रजवासी माने ता चरण रे समस्त आश्रय नहीं कि आनंद रे अछंती। सही समय रे इंद्र ध्यान करले आमे जीवा ब्रह्मा को पाको, जेतले से ब्रह्मा को पाको गले, ब्रह्मा कहले किछि दिन आगे मध्य मु मध्य बहुत बड़े विपत्ति पड़ जाईतिली है। बोले कौन है जी, जेतले मु गोरु बाछुर के चोरी करली, ता पर मु बुझी पारली ये किए ये हले कृष्ण। बोले कौन करबी, बोले चलो तमे सुरभि गाभी को अनुगतर चलो, तने से सुरभि गाभी सी हले गोपाल, गोपाल माने गोरु मानु को जे पालन करती, तने चलो आमे सुरभि गाभी हले छथि सही सुरभि गाभी तांकर वंश होचंती। समस्त गाभी माने समस्त गोरु बाछरी तांकर वंशधर, बोले तांक पाखु को जीवा चलो। तांक पाखु गले तांक शरणागत हेकिरी कृष्ण हले गोपाल, तने तांक शरणागत हेकिरी एई स्थान को आसिले।
आसिकी कृष्ण को अभिषेक करले पंचामृत द्वारा अभिषेक करिकरी से जे अभिषेक जे पानी टा होची अभिषेक पानी।